Well, friends, welcome to another episode of Bollywood to Speak. My friend, Mamar Ansari, aap sabhi logo ka mega star Salman Khan and Ayush Sharma ki film Antim the Final Truth ke day number 4 ke box office collection prediction, audience occupancy, show count episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Are market free, cigarette free, biryani manga ya marke ghi, chocolate cake bahut bhari, ek number hai tayari. कोलापुर आएगा सोलापुर आएगा आएगा सातारा बीवी भी नाचेगी साली भी नाचेगी नाचेगा मातारा अपने भाई का बड्डे रे अपने भाई का बड्डे रे भाई का बड्डे भाई का बड्डे भाई का बड्डे रे। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले और ज्यादा एंथुजियाज्म ना दिखाते हुए आप लोगों को पहले जो महत्व की बातें हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि गाइस सलमान भाई एंड आयुष आर ऑन अ टूर, आपके शहर वो आ रहे हैं एंड आपसे रोजाना मुलाकात होगी। तो अलग अलग जो सिटीज हैं इंडिया की वहां पर सलमान भाई जाएंगे। कल सलमान खान जो है यानी कि 30 नवंबर को शाम के 4 बजे एलांटे मॉल चंडीगढ़, तो जितने भी चंडीगढ़ वाले हैं एलांटे मॉल आ रहे हैं पाजी कलाब से मिलने के लिए, क्योंकि जिस दिन सरदार दी हटेगी सब दी फटेगी। तो चंडीगढ़ में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आजू बाजू में, क्योंकि बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स थे जो अहमदाबाद में जाकर सलमान भाई के स्क्रीनिंग को अटेंड किया है उन लोगों ने, एंड इट वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो आप भी ये एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। कल 4 बजे की स्क्रीनिंग में एलांटे मॉल जो है चंडीगढ़ में, ट्यूजडे 30 नवंबर है वहां जाना है, वहां पे सलमान खान आपको मिलने वाले हैं नंबर वन। एंड जितने भी अपने मुंबई वाले हैं ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, यस फ्रेंड्स ठाकुर का जो फेस्टिवल रहता है इसका नाम है तारंगन, बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है। तो तारंगन 2021-2022 में कल गाइस एग्जैक्टली 1 बजे जो ऑडिटोरियम है ठाकुर का, यानी कि ठाकुर कॉलेज का ऑडिटोरियम है, वहां पर आने वाले हैं नन देन अपुन प्लास्टिक साहब आयुष शर्मा, हु इज गोइंग प्लेसेस मेरा भाई। सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का फैन क्रेज होगा आयुष के लिए, राइट फ्रॉम गेडी गैलेक्सी मराठा मंदिर पब्लिक घेर रही है उसको, बोलते वाह अपने और राहुलिया बनना है राहुलिया राहुलिया बनना है। तो आयुष बोलता है नहीं 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 राहुलिया नहीं बनना है राजवीर बनना है। तो ये चाहिए गाइस, और क्या चाहिए, सब जगहों से अप्रिसिएशन मिल रहा है स्टार्स को, तो ये सारी जगहों पर लोग आने वाले हैं। आज के एपिसोड में ओवरसीज कलेक्शंस भी आ चुका है मेरा भाई, तो एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। डे वन 5.03 करोड़ रुपीज, डे टू 6.03 करोड़ एंड संडे 7.55 करोड़। इसी के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ ने पहले 3 दिनों में 18.61 करोड़ का नेट कलेक्शन एंड ग्रॉस की बात करें 22.15। यस फ्रेंड्स 3 दिनों का जो ग्रॉस है अंतिम का वो है 22.15 करोड़। बात करें ओवरसीज फिगर्स की तो ओवरसीज अंतिम ने 4.82 करोड़ किया है। यस प्रोड्यूसर्स हैव नॉट रिपोर्टेड इट, लेकिन ये कलेक्शन इसी के आसपास आने वाला है। 4.82 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन है अंतिम द फाइनल ट्रूथ का ओवरसीज बॉक्स ऑफिस में। इसी के साथ अंतिम द फाइनल ट्रूथ ने विश्व भर में यानी कि वर्ल्ड वाइड 26.97 यानी कि 26.97 करोड़ का टोटल बिजनेस किया है पूरे 3 दिनों में। ओके गाइस आज की बात करें गाइस हम लोग, सभी लोगों को पता है फ्राइडे द कलेक्शन वॉज 5.03 करोड़, हिसाब से बोलूं अगर मिनिमल ड्रॉप होता है तो 2.80 करोड़ इस फिल्म को डेफिनेटली कमाना है। मैंने आपको कहा था कि सुबह कैसी भी फिल्म एटलीस्ट 3 करोड़ जाएगी, लेकिन गाइज द ऑक्यूपेंसीज ऑफ अंतिम द फाइनल ट्रूथ हैव बीन एब्सोल्युटली स्टेडी स्टेडी टू द ट्यून ऑफ के जो ऑक्यूपेंसीज है मॉर्निंग के बाद वो गिरी नहीं, सिर्फ बढ़ती गई एंड ऊपर बढ़ती गई। बात करूं मॉर्निंग की तो मॉर्निंग की जो फाइनल ऑक्यूपेंसी थी वो 9% की थी। आफ्टरनून की बात करूं तो गाइस आफ्टरनून शोज गोइंग इनटू द इवनिंग वर 10-10.5%, यानी कि डबल डिजिट्स में ऑक्यूपेंसी आ गई। इवनिंग शोज की बात करूं तो 13-14% के इवनिंग शोज थे एंड गाइस अभी नाइट के जो शोज है वो फिलहाल 18% पे चल रहे हैं, यानी कि हमारा जो डेटा रहता है जहां पर हम मल्टीपल सिटीज जैसे कि मुंबई दिल्ली NCR पुणे हैदराबाद कोलकाता चेन्नई सूरत जयपुर भोपाल लखनऊ जो डेटा कंपाइल करते हैं वहां पर इसकी ऑक्यूपेंसी सभी जगहों पर इसने ग्रोथ देखा। बात करो मुंबई की तो 519 शोज में यहां पर ये फिल्म पूरे दिन में 21% ऑक्यूपेंसी पर चल रही है, यानी कि मुंबई इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर अंतिम द फाइनल ट्रूथ। बात करो दिल्ली NCR की, दिल्ली NCR भी आज डबल डिजिट था, 11% की ऑक्यूपेंसी थी
565 यानी कि दिल्ली एनसीआर एंड मुंबई में ये फिल्म सस्टेन करेगी। अब कब तक सस्टेन करेगी? अगले हफ्ते देखिए सत्यमेव जयते 2 के जो शोज है वो दोनों में आपस में बांटे जाएंगे, यानी कि अंतिम में भी बांटे जाएंगे एंड सूर्यवंशी में भी बांटे जाएंगे। अब देखते हैं कि सूर्यवंशी का जो नेटफ्लिक्स रिलीज है वो अगले हफ्ते अनाउंस होता है नहीं होता, ये इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा कि अंतिम को कितने शोज मिलेंगे। अगर सूर्यवंशी नेटफ्लिक्स पर जाती है तो ऑब्वियसली कम शोज मिलेंगे एंड एसएमजे 2 के जितने भी शोज है वो अंतिम के झोली में आएंगे। लेकिन अगर सूर्यवंशी अगले हफ्ते यानी कि 4th को नेटफ्लिक्स पे नहीं जाती, यानी सत्यमेव जयते द्वितीय के जो शोज है वो 50-50 बढ़ जाएंगे। बंटी बबली 2 जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। एसएमजे 2 विल हैव मिनिमम शोज इन द सेकेंड वीक। बात करूं तड़प की, डिस्पाइट तड़प अंतिम विल हैव डिसेंट शो काउंट। इवन डिस्पाइट चंडीगढ़ करे आशिकी, अंतिम द फाइनल ट्रूथ अच्छी खासी चलती रहेगी। अंतिम द फाइनल ट्रूथ को अब सबसे बड़ा जो खतरा है वो ऑब्वियसली स्पाइडरमैन से है एंड पुष्पा से है, तब जाकर अंतिम के पास बहुत कम शोज बच जाएंगे एंड उसके बाद जब 83 आएगी तब अंतिम जो है वो अपना फाइनल रन जो है वो बॉक्स ऑफिस पर समाप्त करेगा। तो अब अंतिम के पास अच्छा खासा वक्त है बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शंस कमाने का। बात करूं गाइस पुणे की, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर फॉर अंतिम, वहां पे 13% की ऑक्यूपेंसी थी एंड 165 शोज, यानी कि फिल्म इज डूइंग रियली गुड बिजनेस। कुछ जगहों पर तो फ्राइडे जितना बिजनेस कर रही है, लेकिन यस मंडे है, टिकट के भाव जो है वो कम है, इसी का कारण है जो कलेक्शन है उस लेवल पर यानी कि फ्राइडे के लेवल पर नहीं आएंगे। बेंगलुरु इज परफॉर्मिंग एट 10% विद 215 शोज, हैदराबाद इज 20% ऑक्यूपेंसी, तो हैदराबाद इज डूइंग रियली गुड। द निजाम टेरिटरी एंड द मुंबई सर्किट फॉर अंतिम द फाइनल ट्रूथ हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट, 261 शोज है हैदराबाद में। बात करूं कोलकाता की, 12% ऑक्यूपेंसी है, 207 शोज है। अहमदाबाद इज 11%, सलमान भाई आज गए थे अहमदाबाद में, 226 शोज है। बात करूं चेन्नई इज डूइंग 22% ऑक्यूपेंसी, 54 शोज है वहां पर। ऑल इन ऑल सूरत इज 15, जयपुर 9, भोपाल पता नहीं वहां क्या चल रहा है 3% की ऑक्यूपेंसी पूरे दिन में। इसी का अंदेशा है कि अंतिम इज गोइंग टू परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। जहां ट्रेड को लग रहा था कि फिल्म 2.80 करोड़ रुपीज कमाएगी, वहां पे माई प्रेडिक्शन फॉर अंतिम द फाइनल ट्रूथ ऑन इट्स 4th डे इज 3.25 करोड़ से लेकर 3.75 करोड़, यानी कि 3.25 से लेकर 3.75 करोड़। लेट्स सी अब प्रोड्यूसर कल कलेक्शन देगा कि नहीं। जहां तक मैं जानता हूं प्रोड्यूसर को, हमने भारत से रेस 3 से दबंग 3 तक देखा है, लोग इतने जल्दी कलेक्शन नहीं देते। तो अब कलेक्शन की उम्मीद आप सीधा जुम्मा को रखना जब प्रोड्यूसर कलेक्शन देगा। एंड कल अगर कलेक्शन दे दिया प्रोड्यूसर ने मेरा भाई, देन ही विल गिव इट टिल 10 डेज। ओके, तो फिंगर्स क्रॉस लेट्स सी कलेक्शन आता या नहीं आता। लेकिन अगर कल ये फिल्म एटलीस्ट 3.5 करोड़ भी कमाएगी तो बहुत अच्छा होगा। फिर भाई उसके बाद ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे 2.80 एंड थर्सडे जो इसके ट्रेंड चल रहे हैं 2.5 करोड़ कमाएगी एंड अंतिम कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक में एक रिस्पेक्टेबल टोटल पोस्ट करेगी इन द ट्यून ऑफ 30-32 करोड़, जो कि एक काफी अच्छा नंबर होगा एक ऐसी फिल्म के लिए जिसका बजट काफी कम था। ओवरसीज भी कलेक्शन आएंगे तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड ये फिल्म सेफली 55-60 करोड़ क्रॉस कर देगी इन द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट वीक। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी। अभी बहुत ही जल्दी है, अर्ली डेज फॉर अंतिम द फाइनल ट्रूथ एंड अगर ट्रेंडिंग अच्छी हुई तो किसको पता ये कलेक्शंस और बढ़ सकते हैं। हो गया सब, आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। अंतिम द फाइनल ट्रूथ अगर आपने सिनेमा घरों में नहीं देखी है तो जाके देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म है। आपको काफी हट के सलमान खान दिखाई देंगे इस फिल्म में एंड एक नया कलाकार है जो कि अब तो नया रहा नहीं है, इसका नाम है राहुलिया यानी कि आयुष शर्मा। हिज परफॉर्मेंस इज नॉट टू बी मिस्ड एंड म्यूजिक especially BGM by Mr. Ravi Basrur, he has just shaken the cinema halls and brought life into Antim the Final Truth. As always say, stay cool man.